नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी और दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर आज के न्यूज बुलेटिन में। रामपुर में पहाड़ से टूटे पत्थर ने पीस दी निजी बस, सवारियां घायल, अफरा तफरी मची। हिमाचल में भारी बारिश से भूस्खलन का बड़ा खतरा, 11 सितंबर तक भारी बारिश के आसार। प्रदेश भर में किसानों का प्रदर्शन, रैलियां निकाल, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन। 5 राज्यों में चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी तैनात, अनुराग ठाकुर को मिली बड़ी जिम्मेदारी। हिमाचल सरकार कर रही बागबानों की अनदेखी, कुलदीप राठौर का आरोप, एचपीएमसी के कोल्ड स्टोर में नहीं रखा जा रहा सेब। पेट्रोल पंपों पर स्थापित होंगे चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल पर जोर देगी प्रदेश सरकार। ऊना के बेला बाथड़ी में जोरदार धमाका, सरिया उद्योग के 7 कामगार घायल, 5 डीएमसी लुधियाना भेजे। अटल टनल में ओवरस्पीड एचआरटीसी बस का 7,500 रुपए कटा चालान, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। लाहौल स्पीति में पहली बार सिजेरियन से शिशु का जन्म, टेलीमेडिसिन के माध्यम से करवाया प्रसव। और अब खबरें विस्तार से। लगातार टूटते पहाड़ों से सहमे हिमाचल का कलेजा बुधवार को उस वक्त मुंह को आ गया जब चलती हुई बस पर ऊपरी शिमला में चट्टाने गिर गई। रामपुर की तकलेच रोहड़ू सड़क पर चलती बस पर पहाड़ टूटकर गिरे पत्थरों से 8 सवारियां घायल हो गई। विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट। शिमला के तकलेच में बुधवार को पहाड़ से टूटे पत्थरों से सड़क पर से गुजर रही निजी बस पीस दी। हादसे में बस में बैठी 8 सवारियां घायल हो गईं। बताया जा रहा है कि बुधवार को रामपुर से रोहड़ू जा रही निजी बस जैसे ही तकलेच के साथ लगते डमराली में दोपहर करीब 2:15 बजे पहुंची तो पहाड़ से टूटकर उसकी छत पर एक भारी भरकम पत्थर गिर गया। इससे यहां पर भगदड़ मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही तकलेच पुलिस चौकी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वहीं पंचायत प्रधान नमिता शर्मा और उप प्रधान महेंद्र ठाकुर ने कहा कि यहां पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं और अब और ज्यादा खतरा हो गया है। हिमाचल में अभी फिल वक्त खराब मौसम से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में 14 सितंबर तक बारिश के आसार जताए हैं। हिमाचल में 14 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा। 11 सितंबर तक गर्जन के साथ भारी बारिश के आसार हैं। बुधवार सुबह ही प्रदेश भर में जोरदार बारिश के साथ दिन भर बादल छाए रहे। इससे 2 दिन की उमस भरी गर्मी से लोगों को कुछ हद तक राहत मिली। अब 11 सितंबर तक मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना के बीच मौसम विभाग ने भूस्खलन को लेकर अलर्ट जारी कर लोगों को खबरदार रहने की सलाह दी है। साथ ही कहा कि नदी और नालों से भी दूर रहें। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय किसानों को उनकी उपज की लागत के आधार पर मूल्य प्रदान करने की आवाज भारतीय किसान संघ ने उठाई है। इस मांग को पूरा करवाने के लिए किसानों द्वारा आज प्रदेश भर में प्रदर्शन और रैलियां निकाली गई। प्रदेश में भारतीय किसान संघ ने प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलों में किसानों ने रैलियां निकाली और उपायुक्तों के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजे। किसान संघ ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय किसानों को उनकी उपज की लागत के आधार पर मूल्य प्रदान करने की मांग प्रमुखता से उठाई। किसानों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि किसानों को उनके उत्पाद का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। किसान संघ ने केंद्र व प्रदेश सरकार को केंद्रीय कानूनों में अमेंडमेंट करने को लेकर ज्ञापन सौंपे। भारतीय किसान संघ ने पिछले महीने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ये इस समस्या को लेकर के मांग पत्र दिया था और समय दिया था कि समय चलते यदि आप इसमें कुछ कर देते हैं पूरे देश के किसानों के लिए, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक हो सके, किसान खेती छोड़ने पर मजबूर ना हो, किसान खेती करे और देश के भंडार भरे, इसके लिए उसको लाभकारी मूल्य, लागत के ऊपर लाभकारी मूल्य मिले। हिमाचल के दामाद धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी और अनुराग ठाकुर को सह प्रभारी नियुक्त किया है। केंद्र की भाजपा सरकार ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैनातियां की हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल के दामाद धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश के प्रभारी और हिमाचल का छोकर के नाम से मशहूर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सह प्रभारी की कमान सौंपी है। पार्टी ने आज 5 चुनावी राज्यों के लिए अपने प्रभारियों का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है।
जबकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, सरोज पांडे, शोभा करंदलाजे, कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी और विवेक ठाकुर को यूपी चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मार्च अप्रैल के बीच इन जगहों पर चुनाव हो सकते हैं। सेब के कम रेट मिलने के कारण घोर पीड़ा से गुजर रहे हिमाचल के बागवानों की प्रदेश सरकार पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। एचपीएमसी के कोल्ड स्टोर में जगह न मिलने से अब बागवानों को लाखों के सेब के सड़ने का डर भी सताने लगा है। सेब की कम कीमतों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल दिया है। कुलदीप सिंह राठौर का कहना है कि सरकार ना तो बागवानों की पीड़ा समझ रही है और ना ही उनके लिए कोई राह दे रही है। ऐसे में बागवानों की हालत खराब हो गई है। कांग्रेस कप्तान ने प्रदेश सरकार से जल्द ही एचपीएमसी के कोल्ड स्टोर में बागवानों को सेब की पेटियां रखने के लिए जगह उपलब्ध करवाने को कहा है, जिससे उनकी फसल बर्बाद होने से बच सके। ऊना जिला के औद्योगिक क्षेत्र बेला बाथड़ी के सरिया बनाने वाले उद्योग में बुधवार जोरदार धमाका हो गया। हादसे में 7 कामगार घायल हो गए। घायलों में 5 कामगारों की हालत गंभीर है, जिन्हें डीएमसी लुधियाना रेफर कर दिया है। विस्तार से पेश है ये रिपोर्ट। ऊना जिला के बेला बाथड़ी में सरिया बनाने वाले उद्योग में बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे जोरदार धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि बॉयलर में गैस बनने के कारण ये ब्लास्ट हुआ। इस दौरान 7 लोगों पर लोहे के गर्म छींटे गिर गए, जिससे 5 प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए और 2 को हल्की चोटें आईं। इससे यहां पर अफरा तफरी मच गई और इसके बाद उद्योग प्रबंधन ने एम्बुलेंस व निजी गाड़ियों से 5 कामगारों को डीएमसी लुधियाना भेज दिया। उद्योग प्रबंधक सुनाल सिंगला ने बताया कि सभी कामगार खतरे से बाहर हैं और टेक्निकल टीम बुलाकर जांच की जा रही है। उधर थाना प्रभारी मनोज कौंडल ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। आज जो बेला बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में इस्पात फैक्ट्री में जो ये मामला संज्ञान में आया है, उसमें जो 5 लोग घायल हुए हैं, उस मामले में अभी जांच की जा रही है और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके बयान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को राहत के रूप में देख रहे हैं। हिमाचल सरकार भी ऐसे वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इसके लिए कुछ खास पॉलिसी भी बनाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उपयोग में ही मॉडल राज्य बनेगा। ये बात परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने बुधवार को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में हिमाचल दूसरे राज्यों से आगे रहे, इसके लिए यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई जा रही है। इस पॉलिसी के लागू होने से लोग नया वाहन लेने के समय इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रेरित होंगे। परिवहन मंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश में वाहनों के चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग पॉइंट अधिक से अधिक संख्या में विकसित किए जाएंगे। ये सुविधा पेट्रोल पंप और अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध होगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में चिन्हित किया गया है। बैठक में नादौन में ट्रांसपोर्ट नगर तथा ड्राइविंग प्रशिक्षण और जांच केंद्र स्थापित करने के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बिक्रम सिंह ने कहा कि बद्दी में 16.35 करोड़ रुपए की लागत से 32 बीघा भूमि पर निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण केंद्र यानी ऑटोमेटिक व्हीकल टेस्टिंग केंद्र भी विकसित किया जाएगा। अटल टनल के भीतर ओवर स्पीड और ओवरटेक का वीडियो वायरल होने के बाद एचआरटीसी बस का 7,500 रुपए चालान काटा है। टनल के भीतर नियम तोड़ने पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। अटल टनल रोहतांग में ओवरस्पीड और ओवरटेक करते चल रही एचआरटीसी बस का 7,500 रुपए का चालान कटा है। इस मामले की पुलिस को जानकारी तक नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पर जब ओवरस्पीड बस का ओवरटेक करते हुए वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस को लगभग 2 दिन बाद इसका चालान करना पड़ा। एसपी कुल्लू गुरुदेव ने इसकी पुष्टि की है। गौरतलब है कि अटल टनल के भीतर वाहनों की स्पीड लिमिट 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। टनल के भीतर वाहन खड़े करने की मनाही है। वहीं टनल में वाहन चलाते वक्त ओवरटेक भी नहीं किया जा सकता। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा में आमतौर पर सामान्य प्रसव करवाए जाते हैं, लेकिन यहां पहली बार सिजेरियन से शिशु का जन्म हुआ है। 27 वर्षीय तेंजिन लामो का प्रसव टेलीमेडिसिन के माध्यम से करवाया गया। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा में पहली बार सिजेरियन से शिशु का जन्म हुआ है।
जिले में आमतौर पर सामान्य प्रसव करवाए जाते हैं, लेकिन प्रसव के दौरान जटिलताएं होने के कारण क्यामो गांव की 27 वर्षीय तेंजिन लामो का प्रसव टेलीमेडिसिन के माध्यम से करवाया गया। इसमें मनाली के मिशन अस्पताल के चिकित्सकों ने अहम योगदान दिया। बर्फबारी से 6 महीने तक ढके रहने वाले जनजातीय क्षेत्र स्पीति के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने में टेलीमेडिसिन सेंटर वरदान साबित हो रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर तेंजिन डीएमओ काजा। 11 तारीख को हमारे यहाँ पे एक पेशेंट आई थी जो कि दोसर से थी। इनिशियल कंप्लेंट उसकी ये थी कि जब वो प्रेग्नेंट थी और उसको अचानक से ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया था। उसके बाद अपोलो टेली हेल्थ में उसका कंसल्टेशन किया गया और उसको काजा लाया गया। काजा में ये देखा कि उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी। उसी वक्त यहाँ पे फॉर्चुनेटली मिशन हॉस्पिटल की टीम यहाँ पे आई हुई थी जो कि मल्टी स्पेशलिटी कैंप के लिए आई हुई थी, तो उन्होंने उनकी मदद से और हमारी टीम की मदद से उसका सिजेरियन यहीं पे हुआ था। चलते चलते देखते हैं कुछ और बड़ी खबरें। मॉनसून ने हिमाचल को दिए 967 करोड़ 99 लाख के जख्म, नुकसान का जायजा लेने अभी तक नहीं आई केंद्रीय टीम। जेसीसी एजेंडे पर विभागों से जवाब तलब, सरकार ने भी सभी महकमों को भेजा 26 पॉइंट्स का एजेंडा, 25 सितंबर को बैठक संभव। नालागढ़ में फेसबुक पर गाड़ी लेने के चक्कर में गंवाए 71,000 रुपए, ऑनलाइन ठगों के झांसे में फंसा युवक। सोलन के कुनिहार में नामी कंपनी की नकली ब्रांड बेचने पर दबोचा दुकानदार, भारी मात्रा में सामान बरामद। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।